हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। फ्रेंच डिफेंस के बारे में मैंने ये सीरीज शुरू की है अभी। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था मेन लाइन फ्रेंच डिफेंस में विनावर वेरिएशन में सिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया लाइन है वाइट की ओर से, हमें हाउ टू प्ले अगेंस्ट फ्रेंच। e4 e6 देन d4 d5, ये फ्रेंच डिफेंस के दो मेन मूव हैं। यहाँ पे Nc3, ये जो विनावर वेरिएशन है, यहाँ पे मेन लाइन है Bd4 एंड देन e5। इसके बाद ब्लैक के दो रेयर मूव्स मैंने दिखाए थे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था b6, जो कोई कोई प्लेयर खेलता है। ज़्यादा आपको उसमें इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन देख लेना अच्छा है दोस्तों। और Ne7, ये दोनों के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद हमने मेन लाइन पे फोकस किया था, जिसमें c5 वाइट खेलता है ब्लैक। यहाँ पे हम a3 रिप्लाई देते हैं, और यहाँ पे हमने डिस्कस की थी c×d4 वाली लाइन, और इसके बाद दो अलग लाइन थी इसी के अंदर डीप में, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए अब, सॉरी दो नहीं चार लाइन इसके बाद थी। हाँ, अब मैं आपको ले जाता हूँ मेन लाइन पे, बिशप a5 वाले। a3 के बाद यहाँ पे मेन लाइन क्या है दोस्तों, ब्लैक खेलता है बिशप a5, और दूसरा जो है बिशप टेक्स c3, इसके बारे में भी हम देखेंगे बिशप टेक्स c3 में। तो दो वेरिएशन यहाँ से, बिशप a5 में हम खेलेंगे यहाँ पे b4। अब यहाँ से दो लाइन शुरू है। देखिए हर एक में कैसे ब्रांचिसों से ओपनिंग होती है। Bb5 नाइट को पिन करने के बाद हमारा फोर्स मूव है e5, और ब्लैक यहाँ पे c5 खेलता है मोस्टली c5, और यहाँ पे हम a3 करते हैं, और उसके बाद बिशप a5, ये भी एक लाइन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिशप टेक्स c3 वाली, वो भी ज़्यादा फेमस है। तो बिशप a5 हम देखेंगे पहले, यहाँ पे हम रिप्लाई देंगे b4। चलिए अब यहाँ से दो मेन ऑप्शन ब्लैक के लिए। एक तो पहला वाला है c×b4, ओके, और दूसरा वाला है c takes d4, काउंटर अटैक ऑन योर नाइट। तो पहले ऑप्शन में c×b4, यहां आपको खेलना है Nb5। यहां पे ब्लैक रिप्लाई देगा, ये Nd3 की थ्रेट है, तो ब्लैक यहां पे रिप्लाई देगा Nc6, और यहां हमें खेलना है Bd2। Bd2 के बाद ब्लैक a6 करेगा, जो आपके नाइट पे अटैक करने के लिए। Nd6 चेक, किंग f8, और उसके बाद a×b4, bishop takes b4, Nd4, एंड देन Qd2। चलिए ये पोजीशन से मुझे नहीं लगता कि वाइट को कोई दिक्कत होगी। हालांकि एक पॉन सैक्रिफाइस किया है, पॉन डाउन है, लेकिन कंपेंसेशन में वाइट का क्वीन, रूक, नाइट तीनों पीस एक्टिव है। कैसल भी वाइट कर सकता है, ब्लैक ने अपना कैसलिंग का चांस खो दिया है, और नाइट जो d6 पर है वो बहुत ही डेंजर लगेगा। ओके, यहाँ पे दूसरा वेरिएशन में बताऊंगा आपको, c takes d4। वॉट अबाउट c takes d4? c takes d4 में दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव बताऊंगा, जिसमें Qg4 बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग लाइन है। अब यहाँ पे Qg7 देन Qxrook सिंपल सी थ्रेट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैक पॉन टेक्स नाइट तो नहीं मारेगा, तो ब्लैक यहाँ खेलेगा Ne7, और अब आपको खेलना है Bxa5, ब्लैक खेलेगा Dxc3, उसके बाद आपको खेलना है Qg7, और ब्लैक रिप्लाई देगा रुक g8,
वन मोर पॉन क्वीन इंटू h7 आप मार सकते हो यहाँ पे, सिंपल है, कोई ट्रैप नहीं है क्वीन के लिए। नाइट d7 और उसके बाद ये पॉन पे अटैक है तो यहाँ पे आपको खेलना है f4। ब्लैक यहाँ रिप्लाई देगा क्वीन टेक्स a5 और उसके बाद आपको खेलना है नाइट f3। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट टू f8, ये बेस्ट चॉइस है ब्लैक के लिए। क्वीन d3 ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो जाएगी और उसके बाद ब्लैक खेलेगा बिशप d7 और यहाँ पे नाइट टू g5। दोस्तों ये पोजीशन काफ़ी हद से इक्वल है, यहाँ पे वाइट को खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि अटैकिंग पीसेस है। बिशप e2 देन कैसल भी कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेन लाइन बिशप टेक c3 के बारे में। तो ये सीरीज कंटिन्यूस मूव बाय मूव और हर एक वीडियो आप मिस मत कीजिए, सारे वीडियो देख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड्स डिफेंस सीखने में। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।